भाई अगर तू सोच रहा है ना कि केमिस्ट्री में 90 प्लस लेके आने, 95 प्लस लेके आने, 98 प्लस लेके आने, तो तेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बैड बजी पड़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बार बार भूले जा रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं, फिर अगला चैप्टर पढ़ते हैं तो दोनों चैप्टर भूल जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, किस तरह से पढ़ के उसको लंबे टाइम तक याद किया जा सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। मैक्सिमम बच्चे कन्वर्जेंस में हैंग हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे नेम रिएक्शन में हैंग हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। जस्ट 3 महीने बाद आपके पेपर होने वाले, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होल्ड तो अच्छा नहीं किया ना, सबसे स्कोरिंग पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगर वही वीक लेके जाओगे तो पेपर कैसे दोगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरु जी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2023 में 33 मार्क्स की आने वाली है, सबसे ज्यादा मार्क्स की है, ठीक है। तो फुल मार्क्स जस्ट 7 डेज, आपने डेडिकेटेड 7 डेज देने, मैं नहीं बोल रहा 15 दिन पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा महीना पढ़ो, बट 7 दिन पूरे डेडिकेशन के साथ देने, और फिर देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नंबर नहीं कटेगा। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि हाँ किस तरह से आप लोगों ने चलना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन का पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे, और उसमें किस तरह से आप लोगों ने एफर्ट डालने हैं कि एक सिंगल नंबर कटे ना। भैया मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के लास्ट ईयर 100 मार्क्स आए हैं, आपके बहुत सारे सीनियर होंगे जो आपको बता देंगे कि हाँ भाई हम 12 सर से पढ़ते थे और उनके करवाए हुए पैटर्न से ही हम लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। आपको पता होगा सबसे पहला चैप्टर है हमारा हैलोकेन्स एंड हैलोरिंस, हैलोकेन्स एंड हैलोरिंस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा एल्कोहल फिनोल एंड इथर, एल्कोहल फिनोल एंड इथर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो एक समुद्र है, ये तो एक सागर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास अमाइंस, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वैसे एक बायो का चैप्टर होना चाहिए, ठीक है, बट केमिस्ट्री में दिया गया तो हमें पढ़ना है। मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स बताऊं तो ये हमारा 6 मार्क्स का है, ये हमारा 6 मार्क्स का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोर ये 8 मार्क्स का ही चैप्टर है, देन अमाइंस हमारा 6 मार्क्स का है, और बायोमोलिक्यूल्स हमारा 7 मार्क्स का है। ये चैप्टर हमारे प्रॉपर ऑर्गेनिक है, और इस चैप्टर को हम लोग सेमी ऑर्गेनिक कह सकते हैं। ये पढ़ने वाला है बट ये बहुत समझने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा तभी आप अच्छा कर सकते हो। अब ये तो बात होगी कि हाँ ठीक है सर ये हमारा सिलेबस है, अब हमें पढ़ना किस तरह से है। देखो यार एक तो ना बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, मतलब लिटरली एक बच्चा रोने लग गया कि सर मैं बार बार भूलने जा रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें चेकलिस्ट दे रखी है, ठीक है, सर्च कर लेना या फिर चेकलिस्ट बाय भारत पंचाल, या फिर लिंक मैं पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। उस चेकलिस्ट में ना 5 लेयर्ड रिवीजन है कि आपने इस चैप्टर में 5 पॉइंट करने हैं, वो 5 पॉइंट अगर आप कर लेते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि हाँ उस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन हो चुकी है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। ये सबके साथ होता है, अगर आप पढ़ते हो तो धीरे धीरे लगता है हमें कि हम भूल रहे हैं, अगर आप उस पर टिक करते जाओगे ना तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये चीजें नीडेड थी और ये मैं कर चुका हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, अब इसको हमें पढ़ना कैसे चाहिए। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे पूछते पता क्यों है, क्योंकि वो सीधा जाते हैं पढ़ने, वैसे तो बात होगी नहीं, बेसिक उनको कुछ नहीं पता, बच्चों को नहीं पता इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, बच्चों को नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, बच्चों को नहीं पता रेजोनेंस क्या है, नॉमेनक्लेचर नहीं आता मोस्टली बच्चों को, भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप लोग बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक पढ़ो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। पहले एक बार देख लो कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देख लेना। मैंने एक वीडियो बना रखी है 4 घंटे की, आप लोग अपनी एंड से कर सकते हो, अगर आपके पास क्लास 11th के नोट्स है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो है, 2x की स्पीड में देख लेना, 1.5x की स्पीड में देख लेना, नोट्स सामने रख के देखना, क्योंकि मैंने नोट्स को ही समझा रखा है बहुत अच्छे से। बहुत जरूरी है कि आपके पास नोट्स जरूर हो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के नोट्स भी दे रखे हैं। उसके बाद आप लोग कहां जाओगे, चैप्टर वाइज वन शॉट पे जाओगे, कहां जाओगे चैप्टर वाइज वन शॉट, हर एक चैप्टर का वन शॉट, एक बार मत देखा करो इसको, 2 टाइम्स देख लिया करो। बेसिक देखने के बाद अगर आप चैप्टर वाइज वन शॉट देखोगे तो आपको मोस्टली बातें क्लियर होंगी कि हाँ यार वो कहना क्या चाह रहा है, वो सबसे जरूरी है। और इनको कब देखो आप लोग, इनको देखो जब आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स हो। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, सिर्फ 10 पेज में है, मैं एक बार आपको नोट्स दिखाता हूं फिर आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ यार है क्या चीज। जस्ट अ मिनट, ओके ये है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, देखने में कुछ ऐसे लगेंगे, ओके व्यू एंड
फुल स्क्रीन मोड आई थिंक ऐसे करना है। हाँ, ये हमारे नोट्स है, अगर आप इनको देखो ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप क्या देखोगे कि मैंने ना आपके लिए क्या बना रखा है, यहाँ पर इंडेक्स बनवा रखा है भाई। जब आप चैप्टर वाइज वन शॉट देखोगे ना तो स्टार्टिंग में ही आप लोग इंडेक्स देखोगे, आपको जिस चैप्टर का भी वन शॉट पढ़ रहे हो बेसिक देखने के बाद इस तरह से हैलोजन हैलोजन है ठीक है उसको लिखा, फिर अल्कोहल फिनोलिथर इस तरह से, और कुछ सिंगल टॉपिक मिस नहीं है, बस ये इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि कम से जगह में बहुत ज्यादा कवर किया है। डिजिटल हैंड रिटन नोट्स में पढ़ने में भी फील आएगी ठीक है, सारे चैप्टर कवर कर रखे हैं ए टू जेड, अल्कोहल फिनोलिथर आपका और नए पैटर्न के हिसाब से है, नए सिलेबस के हिसाब से है, तो चैप्टर वाइज पढ़ लोगे सारे के सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है ठीक है सर, हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट देख लेंगे, नोट्स भी हम लोग साथ के साथ पढ़ लेंगे। अब इसके अलावा जरूरी यह भी है कि आपको यह पता हो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, है ना, कि आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला चैप्टर हैलोकिन्स एंड हैलोरिन्स, उसमें मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं तो नेम रिएक्शन से या SN1 SN2 से, तो उसमें ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कन्वर्जन में पागल हो जाओ ठीक है। SN1 SN2 बहुत अच्छा होना चाहिए, नोमेनक्लेचर बहुत अच्छा, जो दो नेम रिएक्शन है या तीन कह लो, मार्कोनी को फेंटी मार्कोनी वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और फिंकलस्टेन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, उसके लिए भी एक वीडियो बना रखे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, वो देख लेना ठीक है, उसको लिख लो ठीक है। जो आप ये नोट्स निकलवाओगे ना उस पर एक छोटी सी पर्ची लगा लेना कि यार सर ने ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, फिर अगले चैप्टर में अल्कोहल सुनने लगे कि हाँ इन टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पढ़ना सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग क्या करो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ो, टाइम है बहुत अच्छा कर सकते हो। अब आगे बढ़ो ठीक है, सिलेबस आप पढ़ लोगे, बट सर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं होते, क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं होते, देखो जब आप चैप्टर वाइज वन शॉट देख लोगे ना चैप्टर्स का ओवर आइडिया हो जाएगा, नोट्स पढ़ लोगे। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इजी आता है आपका नोमेनक्लेचर, अगर आपका बेसिक ओके है ना नोमेनक्लेचर कोई भी बच्चा कर देगा। फिर आपके आती है नेम रिएक्शन, क्या आती है नेम रिएक्शन, फिर आपके आते हैं कन्वर्जन, बहुत ज्यादा बच्चे कन्वर्जन से डरते हैं, कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेम रिएक्शन एंड रोड मैप। और मैं हमेशा बोलता हूं मैं सिर्फ इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि चलो स्ट्रेटजी बना दी पढ़ लेना ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, मैं हर चीज के बारे में बिलीव करता हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं नोमेनक्लेचर क्विज में आपको देखो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो मैं आपको सारा नोमेनक्लेचर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सारी की सारी रिएक्शन भी एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, सारे के सारे कन्वर्जेंस भी एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आपकी आती है कंप्लीट द रिएक्शन ठीक है ना, आधी रिएक्शन दी होती है या ABCD दिया होता है ठीक है, और ये आप तभी कर सकते हो अगर आपके दोनों बहुत अच्छे हो चुके हैं। और एक गिफ्ट आपके लिए, बात सुनिए मेरी, कंप्लीट द रिएक्शन करोगे इसके बाद आप लोग क्या करोगे भाई, कंप्लीट द रिएक्शन के बाद आप लोग जाने वाले हो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, 101% है ये क्वेश्चन आएंगे, 101% मतलब कोई भी चांस नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर में ना आए, आपका नोमेनक्लेचर हर बार आता है, नेम रिएक्शन हर बार आती है, सैंपल पेपर में भी आया है, कन्वर्जेंस आए हैं, कंप्लीट द रिएक्शन है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, जैसे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, इस तरह से क्वेश्चन ठीक है। फिर आपको इस तरह से भी तैयारी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैकेनिज्म, देखो वैसे तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, 400-500 रिएक्शन है तो 400-500 मैकेनिज्म भी है, बट हमें उन मैकेनिज्म पे फोकस करना है जो बोर्ड ने बता रखे हैं, बोर्ड ने हमें बता रखे हैं अल्कोहल फिनोल एंड इथर के मैकेनिज्म, चार मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से कर लेना, या तीन ही है एक नया ऐड हुआ है उसको भी आप लोग देख लेना उसी चैप्टर से। इसके बाद आपके क्वेश्चन कहां से बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाले, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, और एक वाई वो इन्हीं से रिलेटेड है ठीक है ना, इन्हीं से कि कौन पानी में घुलेगा, क्यों घुलेगा, कौन पानी में नहीं घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा, किसकी डायक्रोम मोमेंट ज्यादा है, इस तरह से। और लास्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाले, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाले, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कुछ एग्जांपल दिए होंगे, आपको बोला जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, आप चैप्टर वाइज वन शॉट तो देख लोगे, उसके बाद आप लोगों ने ये भी करना है, मतलब मैं आपको अब ये लेयर रिवीजन ऐसे चलेगी, मैं आपको एक दिन सारा नोमेनक्लेचर बताऊंगा, एक दिन सारी नेम रिएक्शन, एक दिन सारे कन्वर्जेंस के रोड मैप, फिर कंप्लीट द रिएक्शन, इसी से हो जाएगी सारे के सारे सिलेबस के टेस्ट टू डिस्टिंग्विश,
मैकेनिज्म जितने भी है, उसके बाद एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन जो पेपर में बनते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, चीट नोट्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स एंड चीट नोट्स। शॉर्ट नोट्स है चैप्टर वाइज, चीट नोट्स है टॉपिक वाइज। जैसे कि ये आपके टॉपिक है, एक बार मैं आपको चीट नोट्स भी दिखाता हूँ। ओके जस्ट अ मिनट, ये है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स और इसमें सब कुछ कवर है भाई, बातें बातें नहीं है, सब कुछ कवर है। देखो इस तरह से ये पर भैया ये मैम, ठीक है चलते हैं। अब देखो यहां पर इसमें मैंने लिखा है कि हाँ भाई किस तरह से आप लोग चलने वाले हो, नेम रिएक्शन, रेजोनेंस, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के रोड मैप, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हाँ भाई अगर वाई वाले मतलब आपके पास इंडेक्स पहले से हो कि हम कहां जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएजेंट रिएक्शन के मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म और बायोमोलिक्यूल पूरा है तो बायोमोलिक्यूल इसमें अलग से दे रखा है। एक बार नोट देख लो, देखो सारी सारी नेम रिएक्शन दे रखी है भाई साहब, पढ़ने में ना फील आएगी, नोट्स ऐसे बना रखे हैं। उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद ये रोड मैप है ऑर्गेनिक के, रोड मैप किस तरह से है, इस तरह से अगर आप करोगे आपकी ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन नहीं है जो रह जाएगी, ए टू जेड हर एक रिएक्शन बेटर आप कर सकते हो, ठीक है ये। अब फिर आपके ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इस तरह से पढ़ने वाले आप लोग। पहले चैप्टर वाइज देखो क्वेश्चन नोट्स हाथ में रख के, फिर जब आप कंसेप्ट पे जाओ कि हाँ यार ये पूछे जाते हैं, ठीक है इनको भी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है। और ये बायोमोलिक्यूल है बहुत अच्छे से पूरे का पूरा कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों चीज आपको मिल गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या मैटर करता है आपके लिए, ये सब हो जाएगा। अच्छा अब मैं ये करवाने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक से आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा ये वाली सीरीज, पर उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एग्जांपलर के क्वेश्चन डाल दूं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं डाल दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज आपके लिए हो जाए, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब होने वाला है, ठीक है। अब भी अगर तुम्हें मतलब भाई अगर तुम ये पूरी बात मान लोगे ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि यस सर हम इस 7 डे चैलेंज के लिए रेडी हैं, मुझे पता चले। और जब ये 7 डे चैलेंज स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है कमेंट में लिख के जाना है। और जब आप 7 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर देना तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भारत92 के नाम से, वहां पर टैग कर देना कि यस सर हमने ये चैलेंज कंप्लीट किया है और हम रेडी हैं, वो जो हमारे 33 मार्क्स आने वाले ना वो आएंगे, ठीक है मुझे पता चले। देखो वीडियो ये देख लेंगे 8,000, 10,000, 15,000 बच्चे वीडियो देख लेंगे, बट इनमें से मेरी बात मानेंगे शायद सिर्फ 100 बच्चे और 7 दिनों का चैलेंज कंप्लीट करोगे सिर्फ 50 बच्चे, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। बट मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कोई है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हारे साथ दिन रात मेहनत करूंगा। तुमने शॉर्ट नोट्स मांगे शॉर्ट नोट दिए, वन शॉट मांगे वन शॉट दिए, चीट नोट्स मांगे चीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। अब इन द एंड बस ये बोलूंगा, एंड तक आए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है। बस एक बात देखिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में बच्चों को बहुत ज्यादा डराती है, इसको अपने एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना, बस और कुछ डिमांड नहीं करता, उसकी भी हेल्प हो जाए। देखो ये वीडियो बनाई जा रही है बच्चों की हेल्प के लिए और जब ये बच्चों तक नहीं पहुंचेगी तो फायदा क्या। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है और यही मेरे लिए मतलब बहुत खुशी की बात होगी कि हाँ यार बच्चे ने इतना सपोर्ट किया है कि अपने एक फ्रेंड के पास आप सपोर्ट कर देना, ठीक है। और इन दी एंड एक और बात मैं आपको बोल लूंगा कि आपके लिए दो चीज मैटर करती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिविजन। जब भी आप वन शॉट देख रहे हो ना तो वो नोट्स डेली एक बार देख लिया करना 10 मिनट 10 मिनट, और हर 7 दिनों के बाद वो सारे का सारा सिलेबस देखते रहना, ठीक है ना, हर 7 दिनों के बाद। ये देखिए जो हमारा 7 डेज का चैलेंज है, अच्छा 7 डेज का चैलेंज हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, बट उससे पहले आप लोग क्या करो, आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देख लेना है, और जब बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक आप देख लो ना उस वीडियो के नीचे लिख देना डन सर। जब आप हैलोरकेन हैलोरिन इस वीक में आपने यही करना है, ठीक है, जब हैलोरकेन हैलोरिन का वन शॉट देख लो ना ये लिख देना डन सर। फिर हम नेक्स्ट वीक में जब 7 डे चैलेंज पे जाएंगे तब एक एक आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलेंगे, मेरा नाम है भारत और मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए हूँ। ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।